for two. They've got to go. It's got three. It's got to go to the keeper's end. यार ये तो बर्बादी नजर आ रही है. बाबा रगड़ेगा रगड़ा लगता है मुझे ही लगेगा. यार लग तो ऐसा ही रहा. मेरी तो सारी जमा पूंजी थी. तुम्हारा तो 50-50 है. मेरा तो एक करोड़ है. मैं तो डूब गया. यार तुम दोनों को अपनी पड़ी हुई है. मेरा भाई मुझे कत्ल कर देगा. रोशन मैं पानी देख लिया. रोशन मुझे जहर ला दो. मुझे जहर ला दो. भाई तुम्हारा भाई तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है. मेरी मानो उसे सब सच सच बता दो जा. हाँ हाँ वो पढ़ा लिखा है. यकीनन कोई हल निकाल लेगा. मैं बन गया. हाँ मैं मर गया. मैं क्यों उनकी बातों में आ गया. मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है. मेरे साथ चलो और दिलावर को सब कुछ सच सच बता देते हैं. ना भी ना मैं इसके भाई का सामना नहीं कर सकता. तुम खुद ही जाओ. और नहीं भाई फिक्र ना कर. मैं तेरे साथ जाऊंगा. मुझे माफ कर दो भाई. मुझे माफ कर दो. वो क्या हुआ मेरे भाई को? वो शहजादे क्या हो गया तुझे? और मैं बताता हूँ, इस पागल को मैंने ट्रेन के सामने खुदकुशी करते पाया. अगर मैं ना जाता तो सीन कुछ और होना था. ओए जफरी, तू मुझे वजह भी बताएगा या मुझे पागल कर देगा? क्यों किया मेरे भाई ने ऐसा? इसने आज फिर मैच पे जुआ लगाया था. इसने कौन सा नया तीर मारा है? मैं और बाबा इसको समझा के थक गए हैं. किसी ना किसी दिन ये बड़ा ही चांद चढ़ाएगा. बस फिर दिलावर भाई, आज वो दिन आ गया है. ओए अच्छा बताओ भी, क्या जुल्म डाल दिया तुम दोनों ने? भाई मैं चुप कर. मैं बताता हूँ. याल्ला ये क्या बताने वाले हैं? ओ भाई बता दे. दिलावर भाई, बात सिर्फ पैसे हारने की नहीं है. ओ खुदा का वास्ता बता भी दो, मेरी जान लोगे अब तुम दोनों? दिलावर भाई, अगर सब्र का मुजारा करोगे तो बताऊंगा, क्योंकि जिस तरह तुम कर रहे हो ना, इस तरह बताना बहुत मुश्किल हो रहा है. अच्छा, मैं इजी हूँ. बताओ मुझे सारी बात, क्या हुआ है? असल में ये छोटी रकम नहीं दिलावर, ये 50 लाख हार गया है. क्या 50 लाख? वो इसके पास आए कहाँ से? और मैं इससे मांगू तो 50 रुपए नहीं निकलते इससे. और 50 लाख कहाँ से आ गए इसके पास? दिलावर 50 लाख तो आज तक है, ना दिए तो कल 60 लाख देने पड़ेंगे. और कल तक 60 लाख कैसे? क्या मतलब इस बात का? भाई मैं बताता हूँ आपको, आज के मैच की बड़ी पक्की टिप थी. तो मेरा ये ख्याल था कि आज का जुआ जीत के मैं इस काम को छोड़ दूंगा और एक ही दफ़ा मैं तगड़ा हाथ मारूंगा. और मैंने ये सब कुछ सोच के जालिम खान से 50 लाख रुपए कर्ज लिया था. क्या जालिम खान? तुम्हें मेरे और उसके दरमियान जो भी हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता? और वो कोई चीज़ गिरवी रखे बगैर कर्जा भी नहीं देता, तुम्हें कैसे दे दिया? भाई वो जो अब दादा की जमीन के क्या? सुनो ये वक्त गुस्से का नहीं है, अपने आप को ठंडा रखो. ये क्या जुल्म डाल दिया तुम दोनों? मैं वो कागज ही तो लेने आया था जो दादा जानने में पाए थे.
और अगर कागज दादा जान को ना दिए तो बैंक उनको कर्जा नहीं देगा, और अगर इस साल उनको कर्जा ना मिला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ओए रब्बा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। रजा लालू जी जान, रजा, ओए क्या बना मैच का मेरी जान। लाला जी, सारा प्लान आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ है। लाला जी, जैसे आपने हुक्म दिया था सारा रगड़ा वैसे ही लगा दिया। ओ जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद, ओ लालू जी जान। दिलावरा, अब तगड़ा हो जा, अब सालम खान अपनी बिस्सी का बदला ऐसा लेगा कि तेरी आने वाली नस्ल याद करेगी। भाई, हम अभी जालिम खान के पास चलते हैं, आप परेशान मत हो। बस कर, तूने जो करना था कर लिया, मेरा ख्याल है अब तू जाके अंदर आराम कर, मैं और जफरी देख लेंगे सब कुछ। अबर, जेदी जालिम खान का दोस्त है तो जेदी को साथ लेके चलते हैं, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। जफरी, मेरा ख्याल है तुम उस दिन वाला सीन भूल गए हो, जो मैंने जालिम खान का हाल किया था, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी बात मानेगा। यार तुम फिक्र ना करो, बस चलने की तैयारी करो, जेदी कोई ना कोई हल निकाल लेगा। यार फोन करता हूँ। जेदी, कहाँ हो यार तुम, जरूरी काम है आपसे, ठहरो हम आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं। मुझे पता था तुम लोग जरूर आओगे, क्योंकि मुझे तो सब बात का पता है। दिलावर, अब तुम्हें हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा, जालिम खान को मनाना मेरा काम है। चलो फिर, देर ना करें, जालिम खान के पास चलें। दिलावरा, तुम्हारे इस झुके हुए सर को मैं क्या समझूं? तेरी गर्दन में तो सरिया था, आज झुका क्यों खड़ा है? तू तो झुकना जानता ही नहीं था। जालिम खान, जब मजबूरियां दबोचती हैं तो बड़े बड़े पहाड़ों के सर झुक जाते हैं, तो मैं तो फिर एक इंसान हूँ। जालिम खान, दिलावर दुश्मनी भुला के दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। ओए, तुम अपना बकवास बंद करो, याद रखना जिसके साथ जालिम खान दुश्मनी करते है क़यामत तक नहीं बैठता है वह। और तुमने ये बात बड़ी अच्छी तरह सुना होगा कि पठान का जुबान एक होता है। जालिम खान, चलो फिर एक सौदा ही कर लेते हैं। वही देखो मारा, जालिम खान को तो सौदा करने का शौक ही बात है, लेकिन याद रखना जालिम खान सौदा वो करते हैं जिसमें जालिम खान का फायदा होता है। चल ठीक है जालिम खान, हार हमारी जीत तेरी। ओए पठान, मोटे धमाके होते, ये कहानी मत बताओ, असल मुद्दे की बात करो। मैं बताता हूँ, असल में वो फाइल मुझे हर हाल में चाहिए जो रोशन तुम्हारे पास गिरवी रखवा के गया। अच्छा, अब मैं समझा, ये सारे बीगी बिली क्यों बना पड़ा है। तो फिर लाओ 60 लाख और अपनी फाइल अभी ऐसे वक्त लो, क्योंकि मैंने बोला कि पठान जुबान का पका है। लेकिन जालिम खान, इसके पास 60 लाख तो नहीं होंगे। वाह मखा वाह मखा वाह, इस पठान को पागल समझते हो। जालिम खान, कुछ तो ख्याल करो। क्या बात है, ये भूल गया, इसने जालिम खान को जिसका चूती बचता था उसको बड़े बाजार में जलील किया, और अब ये किस तरह गर्दन झुकाए खड़ा है। और तुम लोग सारे ये बात कान खोल के सुन लो, अगर फाइल चाहिए तो 60 लाख,
वरना एक कोटी कोड़ी भी कम नहीं लेगा ये जालम खान। जालम खान, मुझे ये फाइल आज हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे खुद को बेचना क्यों ना पड़े। वाह, मेरा आइडिया बहुत अच्छा है। मैंने पहले बोला कि जालम खान को खरीदना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी अपना दुश्मन। तो फिर ठीक है, 10 लाख का एक साल। सालम खान, इस बात का क्या मतलब? सालम खान, आज तो तुम कुबारियों वाली बात नहीं कर रहे, साइंसदानों वाली कर रहे हो। कम से कम मेरे जहन में तो ये बात नहीं आ रही। एक्शन। ओ तुसी भी हंस रहे हैं। चलो ठीक है ना, रोल कैमरा एक्शन। मुलाजिम खान, क्या मतलब है तुम्हारा? मुलाजिम नहीं तो गाली। मुलाजिम खान रहता है। एक्शन। तुम्हारे भाई और जालिम खान की दुश्मनी का दुश्मन। देखो रोशन, तेरा दुश्मनी तेरे और मेरे भाई का दुश्मनी है। रोल कैमरा एक्शन। ठहरो यार, पहले उसे फोन कर ले। हेलो जेदी। तगड़ा बाबा, तू भी बड़ी चीज है। लाओ बच्चा। तो खाली है खाना खराब। कागज कितने? कागज कितने?